हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मनसा साफ है, हमारा कदम साफ है, किस चीज से डरना है, किसी भी कमिटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर। इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमिटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन का हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। इसी बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पर अनुमति प्रदान किया जाए। अब माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। सर आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी कमेटी में जा रहा है। सर विद योर परमिशन आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द मुसलमान वर्क रिपील बिल 2024। मोहम्मद बशीर आइटम नंबर 14 पे बोलना चाहते हैं। इंट्रोड्यूसर दूसरा बिल छोड़ी सर, अगला लीजिए, नेक्स्ट। बेनी बानन नो, के राधा कृष्णन नो, सोगत राय जी। सर ये जो बिल है मुसलमान वाकफ बिल को वापस लेने के, ये कैसा होगा सर? वैसी भाई मुझे बोल रहे थे, फिर तुम बोलो। मंत्री जी प्रस्ताव लाएंगे अभी, नहीं इसके बाद, अभी इनको बोलने के बाद। सर अंडर रूल 72(1) आई अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बिल ऑन मुसलमान। एक मिनट, अभी वह प्रस्ताव ला रहे हैं इस कमेटी में। ये बिल और वह बिल एक ही है, ये सेकंड पार्ट उसमें नहीं है, सेकंड एक ही बिल है, रिपील करने का बात, रिपील करने का। हाँ ना सर, मैं दो ही चीज बोलने चाहता हूँ। ये संदेह ये होता है कि सरकार मुसलमान वाकफ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। सारा देश में वाकफ बोर्ड के हाथ में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है, इसका पूरा एरिया है 9.4 लाख एकर्स अक्रॉस इंडिया, और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़। सरकार इस पर दखल लेने चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर का बात जो बोला, पहले तो कलेक्टर नहीं था, तो सरकार इसमें इंटरफियर करने चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि दो मुस्लिम वीमेन और टू नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द बोर्ड, ये
नॉन मुस्लिम मेंबर वोट में जाएगा तो आपका वोट का जो सैंक्टिटी वो खराब हो जाएगा. इफ इट्स ए मुस्लिम प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय ए मुस्लिम फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए. सर, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज एन आर्बिटर टू डिसाइड इफ ए प्रॉपर्टी इज ए वाकफ और गवर्नमेंट लैंड. इसलिए ये बिल को, मुसलमान वाकफ एक्ट बिल को विड्रॉ करने का जो कोशिश है, मैं उसको पूरा विरोध करता हूँ. किरण रिजिजू एक घंटा बोला है, हमारे कलीग वाईसी साहब पहले वाला बिल में डिविजन मांगे हैं, उसको भी मैं पूरा समर्थन करता हूँ. ये बहुत सेंसिटिव बिल है, ये बहुत सेंसिटिव बिल है, इसमें कोई जल्दीबाजी कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए. पार्लियामेंट का जो कानून है, आपने चर्चा का मौका दिया, सब लोग बोला, तो अभी डिविजन चाहते हैं तो डिविजन कराए, ठीक, इसमें क्या हर्जा हो सकता. ये पूरा चीज सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिए. ओके, ओके. मुसलमानों को मंत्री जी जो एक्ट रिपील का मैं मूव किया है, मैंने मूव कर चुके हैं, जो 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को रिपील मैंने का, उसको तो रिपील कर ले. ओके, तो मैं बताऊंगा, आप जानना चाहते तो मैं बताऊंगा. आप दो मिनट बता दो सर. मैं दो मिनट बता सर. वो जाने दो ना, फर्स्ट नहीं रिपील मैन का, रिपील मैन भी कैंप कमेटी में जाए. इसमें ये सर रिपील मैन का ये है सर, मुसलमान वक्फ एक्ट कौन सा एक सर, द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 वाज ब्रॉट इनटू फोर्स ऑन 5th अगस्त 1923 एंड अप्लाइड टू द होल ऑफ देन ब्रिटिश इंडिया. सुनिए, क्यों वो कानून स्टैट्यूट बुक में रहना ही नहीं चाहिए था, इतना साल रहा, रिपील करना चाहिए ना. इंक्लूडिंग ब्रिटिश बलूचिस्तान एंड संथाल परगनास, समय का जुरिसडिक्शन मैं बता रहा हूं. The Waqf Act 1954, which enacted the laws of Waqf for the first time in independent India, provides white section 69 clause 1 sub clause 5 that the Musalman Waqf Act 1923 does not apply to any Waqf governed by the 1954 Act. So in effect, 1923 Musalman Waqf Act in effect redundant ho chuka hai. Yes, applicable nahi hai. So in effect, ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है, इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट. इसको भी आप, इसको भी रिपील को भी कमिटी में भेज रहे हो ना. ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है. और मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष सहमत होगा. आप दोनों का है कि एक इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे? नहीं, प्रस्ताव क्या आपका जो ये रिपील मैन वाला तो सर इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर. मैं सभी माननीय सदस्यों सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा. ठीक है, प्रश्न की विधेयक को पुरस्ताबित करने की अनुमति बताएं. डिवीजन, हाँ करा लो डिवीजन, बैठो. प्रश्न ये की विधेयक को पुरस्ताबित करने की अनुमति बताया, जो सदस्य पक्ष वहाँ के हैं, जो सदस्य के विरोध में ना के हैं. पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं बिल को प्रस्तावित करता हूँ. चल रहा है सर, 67 67 67 67 ये कहता है सर कि यदि दो आइडेंटिकल बिल एक साथ हैं तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है, ये रूल कहता है. इसमें कौन सा डिवीजन का बात है सर? आपका जो रूल है ये कह रहा है दोनों आइडेंटिकल बिल है.
ये 1923 का बिल है जिसको कि हटा के ये बक एक्ट 95 को लाया जा रहा है, दोनों बिल एक है, यही तो रूल कह रहा है सर जी। अच्छा आप बोल रहे हैं डिमांड अ डिवीजन सर, दिस इज माय राइट, आई वांट अ डिवीजन सर प्लीज। आपका राइट तो है लेकिन राइट जो है इस पे कैसे राइट बनेगा आपका सर? हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन, शुरू से तो बोल रहे हैं। तो आप ही नहीं सुने तो मैं क्या करूं सर? नहीं, नहीं मेरा तो राइट है, हम तो आप स्पीकर नहीं सुने तो कैसा होगा सर? ना ना मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य के पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की जाए, माननीय विधायक को पुरस्तापित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल सर। माननीय सदस्य नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए, जो सदस्य 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16 भारतीय वायुमान विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी मंत्री महोदय बताइए। इंट्रोडक्शन बोलेंगे सर? आई इंट्रोड्यूस द बिल फॉर कंसिडरेशन सर। हम देखे ना, ये देखिए, बोलिए आप थोड़ा सर, वो शुरू कर, नहीं वो बोले सर। अरे थोड़ा बोलिए बिल पे, बिल पे बोलिए तो इंट्रोड्यूस कर दिए बिल।